आप सोनी A73 लेना चाहते हो, बट दिक्कत क्या है, आपको ये नहीं पता कि मेरा ये डिसीजन है जो सोनी A73 परचेज करने का, ये सही है कि नहीं। एंड इसके पीछे रीजन क्या है कि सोनी A74 भी 2020 में आएगा। अभी ये जो कैमरा आएगा ये 2018 में रिलीज हुआ था, आज 2020 है और 2020 में ये कह रहे हैं कि सोनी A74 भी आने वाला है। एंड गाइस, सोनी A74 ही नहीं, कैनन के कितने सारे मिररलेस कैमरास रिलीज होने वाले हैं इस साल जो A73 को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ पे ये मन में ये डाउट्स आने की यार सोनी A73 लेना एक अच्छी चॉइस रहेगी या नहीं, ये बिल्कुल जायज़ है। तो गाइज, अभी जो ये सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, गाइज ये सारे क्वेश्चंस मैं डिटेल में आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप आज की वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखो, पूरी देखो, क्योंकि गाइज जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं इतनी शर्त से बात कह सकता हूँ कि आपको एंड में आपका एक डिसीजन पक्का बन जाएगा कि सोनी A73 लेना है या नहीं लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल जाए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइज। A73 सोनी का वन ऑफ द पॉपुलर मॉडल्स है, ठीक है। A73 2018 में रिलीज हुआ, अभी 2020 चल रहा है। तो गाइज, पहली ऑप्शन लेके चलते हैं कि सपोज करो मैं वेट कर लेता हूँ A74 के लिए, ताकि A74 की बजाय मैं A73 ही लूँ, बट मेरे को फायदा क्या हो जाएगा कि A73 का प्राइस बहुत गिर जाएगा। तो गाइज, ये सच है कि नहीं, तो इसका आंसर लिटरली कोई नहीं बता सकता। बट गाइज, 90% केसेस में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका रेट नहीं गिरेगा, क्योंकि गाइस अभी 2020 में इसका रेट ऑलरेडी सोनी ने काफ़ी कम कर दिया है। एंड गाइस, अगर आप इसकी प्राइस इंडिया में प्रॉपर ऑफलाइन मार्केट में अगर आप जाओगे, कितनी मिलेगी आपको, कितना डिस्काउंट, कितनी प्रॉपर प्राइस बॉडी की, लेंस की, गाइस उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन में चेक करो, आपको मिल जाएगी वहाँ। तो A73 है गाइस सोनी का एक मॉडल है, इसके दो और मॉडल्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर है, या फिर मॉडल सीरीज कह सकते हो। तो गाइस, A7 सीरीज है, A7 II, A7 II, A7 III, A7 IV, जो A7 IV इस साल आएगा। फिर आता है A7 R2, A7 R3, A7 R4, ऐसे गाइस। फिर आता है A7 S सीरीज, A7 S II, A7 S III। अब एक यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बात है, A7 S III सोनी का नेक्स्ट मॉडल भी इसी साल रिलीज होगा। गाइस, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बताऊं ना, तो डिफरेंस ये है कि गाइस जो आर सीरीज है, सोनी A7R, ये सीरीज जो पॉपुलर है ना गाइस, ये पॉपुलर है इसकी इमेज क्वालिटी की वजह से एंड हाई रेजोल्यूशन की वजह से। एंड गाइस, जो एस सीरीज है, सोनी A7S, वो पॉपुलर है अपनी वीडियोस की वजह से, वीडियो के फीचर्स की वजह से, काइंड ऑफ ये वीडियो एक्सेंट्रिक कैमरा है गाइस। जो A7S की सीरीज है, A7S II, जो अभी सोनी का चल रहा है, वो वीडियो की तरफ जाता है। तो गाइस, A7 III रह गया, वो कैसा कैमरा है? तो गाइस, A7 III एक ऑलराउंडर कैमरा है। सोनी ने इस मॉडल को गाइस बेसिक एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा कहा है। एंड गाइस, ये लोग आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि गाइस सोनी A7 III बेसिक एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा तो बिल्कुल ही नहीं है। इसके फीचर्स ऐसे हैं कि नाइकॉन के D750 को पीछे छोड़ दे, कैनन के 6D Mark II को पीछे छोड़ दे, इसके ऐसे फीचर्स हैं। इमेज क्वालिटी पे आए गाइस, तो सोनी A7 III 10 FPS की कंटिन्यू शूटिंग कर लेता है, बोथ मैकेनिकल एंड साइलेंट शटर पे। एंड ये गाइस इसकी सीरियसली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो प्रेडिसेसर है सोनी A7 II, ये सिर्फ 5 FPS की कंटिन्यू शूटिंग ही कर पाता था, तो यहाँ पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है इन्होंने। इमेज शार्पनेस की बात करें तो गाइस काफी अच्छी इमेज हमको मिलती है यहाँ पे, डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छी मिलती है गाइस सोनी A7 III से। प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे सोनी के कलर्स एंड स्किन टोन्स पे गाइस, देखो सोनी का हमेशा प्रॉब्लम रहा है कि इसके जो कलर्स हैं वो कैनन के कंपैरिजन में बिल्कुल अच्छे नहीं आते, बिल्कुल कहना तो गलत बात है, मतलब अच्छे नहीं आते। बट डिफरेंस ये है कि अगर आप इसको सिनेमा लेवल पे कंपेयर करोगे ना, तो शायद आपको इसके कलर डिफरेंसेस का पता लगेगा, तो आपको शायद इसके बारे में कुछ पता लग सकता है कि इसके कलर्स इतने ना अच्छे हों, स्किन टोन्स ना अच्छे हों। अगर गाइस आपको इसके साथ नॉर्मल वीडियोस बनानी है, आपको बीरोल्स बनाने हैं, आपको थोड़ा वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, उसके लिए आई थिंक ये परफेक्ट है। वहां पे आपको स्किन टोन्स के बारे में कभी कुछ आइडिया ही नहीं मिलेगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। गाइस इसके प्रो क्वालिटीज बताने से पहले कुछ मैं इसके जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं वो आपको जरूर शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात है गाइस, टिल्टिंग स्क्रीन, मतलब स्क्रीन मैं अपने आपको नहीं देख सकता। देखो मैं अभी देख रहा हूँ, आई होप
आप देख सकते हो। देखो ये सोनी का इमेज कलर इमेज वाला ऐप है जो एंड्रॉयड के लिए, सो उसके आईओएस के लिए भी है। मैं गाइज ये यूज करता हूँ तो डिफिकल्ट होता है गाइज थोड़ा सा वाईफाई के साथ कनेक्शन, क्योंकि वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी लैग करती है। बट मॉनिटर आप परचेज नहीं कर सकते गाइज सोनी 7-3 के लिए, क्योंकि गाइज वो बहुत महंगा आता है। तो गाइज यहाँ पे ये दिक्कत है, लेकिन ये मेरे को पता था कि इसकी टिल्टिंग स्क्रीन नहीं है, बट मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी गाइज। यहाँ पे सोनी 7-4 पे आपको एडवांटेज मिल सकती है कि गाइज जब सोनी 7-4 आएगा तो गाइज आई थिंक 90% मैं श्योर हूँ कि उसमें आपको जो स्क्रीन टिल्टिंग मिल जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैं इस कैमरे के साथ फेस करता हूँ वो है इसका हीटिंग इश्यूज। नाउ देखो यहाँ पे दो ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। काफ़ी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि गाइज इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं आते, वो इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। एंड काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इसमें हीटिंग इश्यूज आते हैं। तो मैं उस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ जो कहता है कि इसमें हीटिंग इश्यूज है। देखो मैं अभी 4K के साथ शूट कर रहा हूँ, 4K क्वालिटी में शूट कर रहा हूँ, एंड ये जनरली मतलब 20-25 मिनट के बाद ये हीट काफ़ी ज़्यादा कर जाता है। काफ़ी ज़्यादा नहीं कहूँगा बट आप फील कर सकते हो कि यार कैमरा गर्म हो गया है। तो गाइस मेरे को बाद में 1-2 मिनट का मैं ब्रेक देके फिर से शूट कर लेता हूँ। तो गाइस ये थोड़ी बहुत ही दिक्कत आती है। थर्ड प्रॉब्लम पे आएगा, इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं है ये, बट मजबूरी कह लो या फिर कोई और वर्ड यूज़ कर लो, बट यहाँ पे जो मेरे को दिक्कत लगती है गाइस वो लेंसेज की यहाँ पे अवेलेबिलिटी मिल जाती है। देखो गाइस सोनी के लेंसेज बहुत ही ज़्यादा ठीक है, बट यार इतने ज़्यादा महंगे लेंसेज हैं फुल फ्रेम के लिए, मतलब अफोर्ड कोई कर नहीं सकता है, मतलब कोई नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये यार मेरे को ये पता था जब मैंने सोनी 7-3 लेना था, ये मेरे मन में था कि हाँ यार मेरे को दिक्कत आएगी लेंसेज में। तो मैंने जैसे 28mm f/2 का लेंस लिया गाइस, ये आई थिंक सोनी का सबसे चीप लेंस है और क्वालिटी भी ये बहुत अच्छी देता है। गाइस सबसे अच्छी चीज़ कैमरे की ये है, जिसके लिए स्पेशली मैंने अपने डैड के इतने पैसे भी खर्चवाए, वो है कि गाइस इसकी वीडियो की क्वालिटी। गाइस ये 6K में शूट करता है, राइट नाउ आई एम शूटिंग इन 4K, बट इंटरनली इसका सेंसर है जो गाइस वो 6K क्वालिटी में शूट करता है और उसको 4K में डाउनसाइज करता है। तो गाइस आप खुद सोच सकते हो कि जो 4K क्वालिटी में क्रिस्पीनेस शार्पनेस कितनी ज़्यादा होगी। तो गाइस आई थिंक ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, एंड गाइस यही फीचर है आई थिंक जो सोनी 7-3 को बहुत ही खास बनाता है। तो गाइज आपको यहाँ पे सोनी के डिफरेंट पिक्चर प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, जिसकी मदद से गाइज आप अपनी वीडियोस की डायनामिक रेंज बहुत इंक्रीज कर सकते हो, आपको बहुत फायदा होता है। एंड गाइज अगर आपको सीखना है कि आप S-Log को S-Log2 S-Log3 जो बहुत पॉपुलर पिक्चर प्रोफाइल्स हैं सोनी की, उनको कैसे कलर ग्रेड करते हैं, तो गाइज वो भी आपको वीडियो लिंक पे मिल जाएगी आई बटन में, गाइज आप वहाँ पे चेक करिएगा। तो गाइज अगला पॉइंट जो इसका आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स है इस मिररलेस कैमरा में, वो है गाइज इसके लो लाइट परफॉर्मेंस। गाइज इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस रियली फिनोमिनल है गाइज। आप अगर बहुत ही कम लाइट में शूट कर रहे हो, एंड गाइज अगर आप इसका ISO है जो आप पंच अप कर दो, थोड़ा बढ़ा दो, गाइज मेरे एक्सपीरियंस है गाइज आपको 12,000 ISO तक, वैसे इसका ISO 256,000 तक जाता है, कैन यू बिलीव इट, मतलब बहुत ही ज़्यादा यार ये तो ISO, बट यार इतना कोई नहीं यूज़ करेगा, वी ऑल नो। वैसे जनरली गाइज 12,000 तक इसका, अगर आप प्रॉपर अगर इसका ग्रेन आपको देखना है ना, तो गाइस 12,000 तक आपको दिखेगा नहीं, बहुत ही कम दिखेगा, मतलब प्रॉपर ग्रेन आपको दिखना शुरू होगा गाइस 12,800 पे। तो गाइस मतलब आपके पास एटलीस्ट 150 से लेके 10,000 तक ISO रेंज है गाइस, जहाँ पे आप आराम से बिना किसी ग्रेन से आप अपनी वीडियोस एंड फोटोज शूट कर सकते हो। वैसे बहुत ही बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस पे है गाइस, इसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं है, मतलब इतनी अच्छी ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस है गाइज। बट हाँ लेंस टू लेंस भी काफ़ी डिफर करती है गाइज, अगर आप बड़ा जी मास्टर लेंस लोगे या फिर थोड़ा सा महंगे लेंस लोगे, वहाँ पे आपको ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस और भी बेहतर देखने को मिलेगी। राइट नाउ आई एम यूजिंग द 28mm f/2 गाइज, इसमें ऑटो फोकस परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैंने स्पेशली उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है गाइज, आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जरूर चेक करिए। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप इसकी बी रोल, जैसे हम ये कैमरेज के साथ जनरली लोग बी रोल्स सिनेमेटिक वीडियोस बहुत शूट करते हैं, तो गाइज मैंने इसी लेंस और इसी बॉडी के साथ 2 बी रोल शूट किए हुए हैं, वो भी आपको आई बटन में जरूर मिल जाएंगे गाइज, आप वहाँ से जरूर चेक करिएगा गाइज। आपको काइंड ऑफ इसकी क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो स्लो मोशन की क्वालिटी है, स्लो मोशन की स्मूथनेस है, वो आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा गाइज, आप जरूर वो वीडियोज भी चेक करिएगा। बैटरी परफॉर्मेंस पे आए तो गाइज इसी बैटरी परफॉर्मेंस पे गाइज ये कैमरा है जो ये नाइकॉन का Z6 एंड कैनन का EOS R है, दोनों के पीछे छोड़ देता है, क्योंकि गाइज ये एक बैटरी लाइफ पे 700 शॉट्स ले लेता है, अप्रॉक्सीमेटली 700 ही है। एंड गाइज नाइकॉन जो Z6 कैमरा है वो गाइज एक बैटरी लाइफ में अराउंड 300 शॉट्स लेता है,
एंड जो कैनन का यूएस आर है गाइस वो 340 शॉट लेता है, तो गाइस दो गुना शॉट्स अच्छे ले रहा है गाइस, मतलब दो गुना बैटरी लाइफ इसकी, बहुत ज्यादा देर तक आप यूज कर सकते हो, जो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। एंड गाइस 4K में आप गाइस 2.5 घंटे की कंटिन्यू शूटिंग कर सकते हो अगर आप फुल बैटरी चार्ज पे इसको स्टार्ट कर रहे हो। गाइस यूजर इंटरफेस पे आए, डिस्प्ले पे आए, गाइस दोनों आई थिंक बहुत ही अच्छे हैं। थोड़ा यूजर इंटरफेस सोनी का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मेरे को एटलीस्ट 15 से 20 दिन लग गए थे इसका यूजर इंटरफेस ही समझते हुए कि सारी सेटिंग्स कैसे ट्वीक करनी है, कैसे चेंज करनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट टाइम के साथ समझ आ जाता है। नाउ गाइस एंड में ना यही बताऊंगा आपको कि अगर आपका सोनी A7 III लेने का मन है ना, तो गाइस आप सबसे पहले ये सोचो कि इसके कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन है। अब गाइस आपको पता है 2020 में सोनी A7 IV आएगा, एंड गाइस आपको क्या लगता है सोनी A7 IV, सोनी A7 III जितना प्राइस होगा उसका? नहीं, सोनी A7 IV बहुत ही महंगा होगा। एंड गाइस एक और बात, सोनी A7 III की प्राइस नहीं गिरेगी, मतलब मैं अराउंड 60-70% श्योर हूँ ये नहीं गिरेगी प्राइस, क्योंकि गाइस ऑलरेडी सोनी A7 III की प्राइस काफ़ी गिर चुकी है। एंड आई थिंक कि अगर आपको 2020 में सोनी A7 III लेने का मन है, यू शुड बाय इट गाइस। इससे अच्छी क्वालिटी गाइस आपको नहीं मिलेगी किसी भी SLR में, किसी भी मिररलेस कैमरा में। सो गाइस शुड यू बाय दिस कैमरा इन 2020? माय आंसर इज यस। आपको आज भी गाइस इस प्राइस रेंज में अच्छे फीचर्स इससे नहीं मिलेंगे। आपको यार 4K दे रहे हैं बिना किसी क्रॉप से, आप मान सकते हो कितनी बड़ी बात है। मिररलेस कैमरा में ये ट्रेंड पहले नहीं था। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर द सोनी A7 III इफ यू आर विलिंग टू बाय दिस कैमरा। एंड दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। एंड मैं गाइस ऐसी वीडियोस बहुत सारी लेके आऊँगा, बहुत सारे रिव्यूज लेके आऊँगा इसके लेंसेज की, इसकी बॉडी की। तो गाइस आई थिंक दिस इज इट, सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।